डॉक्टर हरिशंकर प्रताप सिंह चंदेल, डायरेक्टर कैप्सैप कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट आशीष हॉस्पिटल एवं सिटी हॉस्पिटल जबलपुर और प्राइम हार्ट क्लिनिक मदन महल चौक। मैं आज आप लोगों को हाइपरटेंशन के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। ब्लड हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज द ब्लड प्रेशर विच इज हाई। तो हाई ब्लड प्रेशर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द स्ट्रोक, MI एंड इवन डेथ, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड विच कैन बी ट्रीट विच इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हाइपरटेंशन 90% कॉज इज द प्राइमरी, दैट इज द वीक, जिससे कि हम अपने जीन्स में आता है या फैमिली में रन करता है। 10% कॉज हाइपरटेंशन का है सेकेंडरी, जो कि ट्रीटेबल कॉज होता है, लाइक सेकेंडरी कॉजेज, एंडोक्राइन कॉजेज एंड अदर कॉजेज लाइक ड्रग्स, मैनी कॉजेज आर देयर। सो हाउ टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो डाइटरी अप्रोच, फिजिकल एक्सरसाइज। डाइटरी अप्रोच सबसे अच्छा है, ट्रीट एंड प्रिवेंट बोथ। डैश डाइट, जो कि डैश डाइट इज डिफाइंड एज द डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसमें कि होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स, ये हमको ज़्यादा लेना है। और जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो है लो सॉल्ट, लो सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, नो स्मोकिंग एंड लेस लिमिटेड अल्कोहल, अल्कोहल इन मॉडरेट अमाउंट। यदि हम डैश डाइट को देखें तो उसके हिसाब से एटलीस्ट 4 to 5 सर्विंग इन ए डे होल ग्रेन्स लेना चाहिए हमको, 4 to 5 सर्विंग इन ए डे फ्रूट्स लेना चाहिए और 4 to 5 सर्विंग इन ए डे वेजिटेबल्स लेना चाहिए। फ्रूट्स स्पेशली जो जूसी फ्रूट्स होते हैं, जिसमें कि पोटेशियम और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छा होता है। फिर होल ग्रेन्स हमको लेने चाहिए और वेजिटेबल्स लेने चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स।